कई बार हम लोग को लगता है कि भगवान ने हमको ऐसे घर में पैदा कर दिया है कि जिसमें शायद इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है, या जैसे मैं कहानी से ही शुरू करता हूं। आप सबने शायद सुना होगा नाम श्री अब्दुल कलाम जी का, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो 2002 से 2007 तक। उनके जीवन में भी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी जो थे वो एक नाविक थे, नदी पार कराया करते थे लोगों को, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता होगा नदी पार कराने का, लेकिन क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था इसलिए वो पैसा एनफ नहीं होता था, तो उनको खुद से भी बहुत काम करने पड़ते थे। जैसे कि मैं बताऊं, जब वो छोटे थे, इवन स्कूल जाने वाली उम्र में उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि वो जाते थे और सुबह सुबह घरों में अखबार बांटा करते थे ताकि कुछ कमाई हो सके और उस कमाई से वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सके और अपना भी खुद का थोड़ा जो खर्चा है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक था, तो वो चीजें पूरी कर सके। अब सवाल ये उठा था जब उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने अखबार बांटने का काम ही क्यों चुना, काम तो बहुत तरह के किए जा सकते हैं, पैसे तो बहुत तरह के कामों में मिलता है, फिर अखबार बांटना ही क्यों? तो उन्होंने ये बताया था कि अखबार बांटने का काम इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के अंधकार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमी हो पैसे से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड, वो सारी चीजें दूर की जा सकती हैं ज्ञान अर्जित करके ही, और अखबार से बड़ा ज्ञान का स्रोत उनके अनुसार कोई था नहीं। तो वो अखबार बांटते थे और बांटते बांटते में ही पूरा अखबार पढ़ डालते थे। उनके दिमाग में वो चीजें साल दर साल इकट्ठा होती गईं और उसने ना केवल उनके नॉलेज बेस को सुधारा बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को भी उभारा। तो इस तरह से एक अखबार बांटते हुए भी पढ़ना उनके डेडिकेशन और उनकी मेहनत को भी दिखाता है कि ना केवल वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं बल्कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलते हुए वो उस परिस्थिति का भी लाभ उठा करके वहां से भी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उनके मेहनत की एक और गाथा है कि जब वो शायद 8 साल के थे तब उनको गणित यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ने की का बड़ा शौक था, लेकिन उनके घर वालों के पास भी और उनके खुद के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो टीचर अफोर्ड कर सके मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तब उनको पता चला था कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक गणित के टीचर हैं जो काफी ज्ञानी भी हैं और जो उनकी मदद करने को तैयार भी हैं, लेकिन उन टीचर का दिक्कत यह था कि दिन भर उनको पढ़ाना होता था अपने स्टूडेंट्स को और उनके पास टाइम इतना नहीं था कि वो कलाम साहब को दे पाए। तो बहुत बात बात करके ये बात उठी कि चलिए सुबह 4 से 5 मैं 1 घंटे आपको दे दूंगा और आप उस समय आकर के मेरे से मुफ्त में पढ़ सकते हैं। अब आप लोग भी जानते हैं सुबह 4 बजे पढ़ने जाने का मतलब है कि नहा धोवा करके जाना है और कई किलोमीटर दूर जाना है, उस समय उनके पास साइकिल वाइकिल भी नहीं थी, पैदल ही जाना है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे उस इंसान का श्रम कि उन्होंने उस परिस्थिति में भी रात को 3 बजे वो घर से निकलते थे अपने ताकि वो 4 बजे टाइम पे उस जगह पहुंच सके जहां पर उनको उनके टीचर ने पढ़ाने का वादा किया था। यहां से आप देख सकते हैं कि एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, भगवान ने उनको किस्मत के नाम पे बस ये दिया था कि हाँ आपको पैदा कर दिया है, अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, उस इंसान ने उन विषम परिस्थितियों से उठ करके और वो मुकाम हासिल किया कि ना केवल वो भारत के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट में से एक जाने जाते हैं बल्कि भारत के सर्वोच्च पद पे भी रह चुके हैं।